देखिए वो गांव जो है मुख्य रूप में यादव अथी राजपूत बहुल गांव है, और जातीय समीकरण से ओम ने हम नहीं कहते कि मेरा वो नहीं वोटर है, जदयू का वोटर नहीं है भी, लेकिन वो बीजेपी का ज्यादा है। जदयू संवाद कार्यक्रम के दौरान देखा गया अपने प्रखरता से किन जन समस्याओं को चर्चा किया सर? हमने भी उस जनसंपर्क जनसंवाद में शामिल थे, और हमने खास करके किसानों की जो कृषि विभाग में पैसा बाकी है उस पर चर्चा की है, और आच्छादन पर तो हम सीओ साहब थे जिसे डाल थे उन लोगों के करके डीडीसी को हमने कहा कि जो हर फसल का कितना खेती में हो इसका एक रिपोर्ट आप लोग जांच करके भेजिए, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष और सीओ और कृषि विभाग में आपस में एकदम मत्था मत्थी हो रही है, इसलिए हम कहे कि सारा फसल का एक बना के दीजिए आप लोग कि कितना में कौन चीज लगता है, धान कितना रबी में क्या 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 लगता है, कितना में लगता है खरीफ में, क्या क्या लगता है ग्रीष्म में, क्या क्या लगता है। मेरी दो ही मुख्य मांग थी। उसके बाद था कि जो हर खेत पर बिजली, तो हर खेत पर बिजली तो चली गई सर, लेकिन उसके बाद जो संवेदक द्वारा काम किया गया थर्ड क्लास के काम में सारा पोल जमीन में गिर गया और तार जो है चोट काट के ले गया, बिजली विभाग में दौड़ते रह गए कोई तार नहीं लगा, जिसके कारण से इस सुखाड़ में भी बिजली का प्रॉब्लम हुआ और धान को पटवन में किसानों को भारी कष्ट हुई। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई लोग नाराज दिखे, लोगों का कहना था कहीं ना कहीं जनता का समस्या सुनना चाहिए, लेकिन बस गिरे चुने दो चार लोगों का बात सुना गया, बाकी लोगों के बात को इनकार किया गया। देखिए जनसंवाद चल रहा था, पहले तो फर्स्ट राउंड में जितने पदाधिकारी विभाग के थे सब अपनी अपनी कारनामा को बताए पब्लिक को, ठीक है वो कितना पब्लिक जानता है नहीं जानता बताने का काम यही जन संवाद में था कि सरकार की कौन कौन सी काम चल रही है उसको बताए, वो लोग बहुत अच्छा काम किए, लेकिन प्रशासन को पब्लिक का सुनने का हिम्मत नहीं है। सरकार की वो सोच है कि पब्लिक का सुने, लेकिन दो चार लोग ही बोले और विषयवार जब निकाले तो उनको सुनने का हिम्मत नहीं है। और बाकी जो एक महिलाओं द्वारा शायद आंगनवाड़ी थी और भी जो अभी सब सफाई कर्मी हैं उनको अपनी समस्या रखे, तो समस्या सरकार वो पदाधिकारी से था जो जिन्होंने बैठे हुए थे, और वो समस्या को उनकी बात को बोलने नहीं दिए गए, इसलिए हंगामा। और दूसरी हंगामा तब होता है जब हंगामा कराने वाला विरोधी भी नहीं चाहता है कि सरकार की योजना को जनता के बीच में जानकारी हो, तो वो जो हंगामा किया गया महिलाओं द्वारा वो विरोधियों द्वारा प्रायोजित था। वो कुछ लोग बता रहे थे वहाँ जो बोल रहे थे कि यह जदयू के द्वारा चलाया गया जनसंवाद कार्यक्रम जैसा दिख रहा है। अच्छा आपको ही बुझाया कि जदयू का झंडा पताका था? जी बिल्कुल नहीं है। वो देखिए वो गांव जो है मुख्य रूप में यादव अथी राजपूत बहुल गांव है, और जातीय समीकरण से ओम ने हम नहीं कहते कि मेरा वो नहीं वोटर है जदयू का वोटर नहीं है भी, लेकिन वो बीजेपी का ज्यादा है। जदयू का भी जो यही ना है कि सरकार का कार्य योजना को मैंने जनता के बीच नहीं जाए, नहीं जाने कि सरकार क्या क्या करे, इसी के फेलुअर करने के लिए एक हंगामा कराएगा। मतलब कहीं ना कहीं सर जनसंवाद कार्यक्रम का जो स्थल है उसका भी निर्णय जाति फैक्टर देकर किया जा रहा है क्या? नहीं, वो प्रसाद देखिए इसमें कहीं जाति फैक्टर नहीं, ये जो है एक इसकी पूरी डिटेल्स जान लीजिए। हर डीएम को हर पंचायत में जनवरी तक में दो बार जनसंवाद करना है, एसडीओ साहब को एक बार करना है, और बीडीओ सीओ साहब के हर पंचायत में दो बार करना है, मैंने एक पंचायत में पांच बार ये कार्यक्रम होगा जनवरी तक। क्या लगता है सर इससे चूंकि जनता की समस्या तो वो सुन नहीं पाए? लेकिन देश वही तो कह रहे हैं, एक तो प्रशासन को कभी जनता के सुनने का हिम्मत नहीं पड़ता है, और दूसरा
और कुछ लोग उसको हंगामा करने का कराने का काम करते हैं। वहाँ पे बताया जा रहा था जैसा कि एक व्यक्ति ने अपनी समस्याओं में शुरुआत में ही यह बात कहे थे कि रहीमापुर रूपस पंचायत को BDO साहब ने गोद लिया है, तो फिर भी उस पंचायत में इस प्रकार का हंगामा हुआ, यह कैसा? अब हमें तो कोई मैंने सरकार का कोई ऐसी योजना नहीं है कि किसी पंचायत को गोद लेने का। अब जो बोले वो कहाँ से बोले इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि किसी पंचायत को गोद लेने का। तो क्या लगता है सर, आपने जो जन समस्या से अवगत कराया अधिकारी से, आपको क्या आश्वासन मिला है? देखिए आश्वासन तो मैंने आज देना नहीं था, सुनना था। मैंने बहुत हमने लिखित में भी दिया है, तो दो चार चीज़ को हम सुनाए, बाकी लिखित DDC को दिए। और उस जो इस कार्यक्रम है, अगर 75% भी इस कार्यक्रम का सही हो जाए कि जो संवाद से आया वो अगर मैंने धरातल पर पब्लिक के बीच को सुने हुई बात को आ जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहली सरकार है कि प्रशासन को जो रिपोर्ट रोज देता है सही गलत, वो धरती पर पब्लिक के सामने बतावे। मतलब कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन को पब्लिक के बीच में जाने को मजबूर कर रहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और बताइए आप अपने उपलब्धि को, जो काम किया वो बताइए जी। एक कागज के रिपोर्ट सचिवालय में भेजने से नहीं होगा, जो आप काम किए रिपोर्ट वहां दिखाइए, और जब नहीं रहेगा काम तो पब्लिक आपको पूछेगी। क्या परिचय हुआ सर आपको? मैं शंभू नारायण सिंह, हम इब्राहिमपुर पंचायत के हैं और रहीमापुर पंचायत में आज से जन समाज में। थैंक यू सर।